गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज फॉर क्लास 8 एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर 6 कंबसन एंड फ्लेम एनसीईआरटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप ऑफ कंबसन। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट अस टेक अ क्विक रिविजन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, सो लेट्स सी, और यू कैन से वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, सो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस एंड द केस व्हेन वी आर यूजिंग वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सो लेट अस रीड द पैराग्राफ अगेन एंड ट्राई टू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक अगेन। ओके, so you can see here, but water works only when things like wood and paper are fire. So water works only when things like wood and paper on fire. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है water का use हम तभी करते हैं जब wood या फिर paper में fire लगी हो, ठीक है, आग लग गई हो। तो यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं और कौन सी केसेस में हम वाटर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से एक बार आपको डिस्कस किया जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। तो यहाँ पे आप समझ गए अब क्यों यहाँ पे कि वुड और पेपर के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो हम पैरा पढ़ने वाले हैं उसके बाद आपको बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे जो फायर है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से फायर लगाओ या फिर उनमें फायर पकड़ाओ, तो उस केस में अगर आप वाटर का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वी नो दैट वाटर इज अ गुड कंडक्टर। तो यहाँ पे जो गुड कंडक्टर है तो उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकती है और जिससे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं उनको, जो पर्सन जो भी फायर को एक्सटिंग्विश या फिर रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनको इससे हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं हार्मफुल ये हो सकता है, बहुत ही डेंजरस कई बार ये हो सकता है क्योंकि इसमें से करंट पास कर सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की केस है वहाँ पे हम लोग वाटर को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप कि ये बात आपको हमेशा याद रहेगी, कभी भी अगर कोई ऐसी केस आ जाती है अनफॉर्चुनेटली तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ओके, आई होप कि आप ये बात इस बात को सीरियसली ले रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट जो सेकेंड कंडीशन है अगर हम उसको देखें, वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाटर जो है वो उस केस में भी सुटेबल नहीं है जहाँ पे ऑयल, मतलब यहाँ पे पेट्रोल और डीजल जैसे ऑयल की बात हो रही है जो बहुत ही इनफ्लेमेबल एक तरीके से लिक्विड फ्यूल है। तो अगर इन पे फायर इनमें लगी है तो वहाँ पे भी वाटर सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है सुटेबल, देखिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। तो आप जानते हैं कि वाटर जो होता है वो ऑयल से हैवी होता है। तो अब इससे क्या होगा, हैवी होने से क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल। तो ये क्या होगा, सिंक कर जाता है और जो ऑयल होता है, एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, और ऑयल जो होता है वो उस वाटर सरफेस पे आ जाता है और वहाँ पे आके वो जलता ही रहता है, ठीक है, वो अपनी बर्निंग को स्टॉप नहीं होता है और इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विश नहीं होती है इस केस में। ओके, सो आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। तो आपको इस यहाँ तक के पैराग्राफ से यही बातें समझ में आई हैं कि
वाटर एक बहुत ही कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है, बट उसका यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब फायर या तो वुड या फिर पेपर जैसी चीज़ों में हो, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसी चीज़ों में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं हो, या फिर जिसमें ऑयल लाइक इनफ्लेमेबल लिक्विड जैसे सब्सटेंसेस नहीं हो यहाँ पे। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं ऑन फायर, या फिर इनफ्लेमेबल लिक्विड फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोलियम हुआ, सॉरी डीजल एंड पेट्रोल हुए, तो उस केस में आपको वाटर यूज़ नहीं करना है। ओके, तो क्योंकि अगर ऑयल है तो उस केस में ये जो वाटर है वो ऑयल के नीचे चला जाता है, और ऑयल जो है वो वाटर के सरफेस पे ऊपर आके बर्निंग जलता ही रहता है वो, मतलब कंटिन्यू। और अगर ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उस कंडीशन में एक तो इक्विपमेंट आपका ख़राब हो सकता है, और दूसरा उस केस में जो आप उसके ऊपर वाटर गिरा रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली, तो उस वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास कर सकती है, जिससे जो वहाँ पे फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहा है उसको भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं। ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है उसके लिए, तो यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन केसेस में, अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर है और अगर इस तरीके के ऑयल में फायर है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए हम जा रहे हैं पढ़ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस्ट एक्सटिंग्विशर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्यों है इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फायर है या फिर फायर है लाइक पेट्रोल मतलब लिक्विड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में, तो यहाँ पे बेस्ट जो एक्सटिंग्विशर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, आई होप कि आपको ये बातें याद रहेंगी। आगे चलते हैं, बींग हीवियर देन ऑक्सीजन कवर द फायर लाइक ब्लैंकेट सिंस कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल्ड। तो कैसे ये कंट्रोल करता है उसके बारे में देखते हैं। सपोज ये सरफेस है, मान लीजिए सरफेस पे फायर है, जब इसके ऊपर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे गिराते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सटिंग्विशर जो पंप है इसकी हेल्प से यहाँ पे डाला जाता है इस सरफेस के ऊपर, तो क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन से हैवी है इस ये, तो ये क्या करती है, ये इस सरफेस पे आके ऑक्सीजन से नीचे तक चली जाती है यहाँ पे देख सकते हैं, और इस सरफेस को कवर कर लेती है। ठीक है, जैसे एक ब्लैंकेट किसी पर्सन को कवर कर लेता है, ठीक वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर की तरीके से इस सरफेस को पूरे कवर कर लेती है, और जैसे ही कवर कर लेती है इस एटमॉस्फियर से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है एक तरीके से देखें तो वो कट ऑफ हो जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और थोड़ी ही देर में ये जो फायर है यहाँ पे उसका जो इफेक्ट हो डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में फायर एक ऑक्सीजन एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कंबसन के लिए, तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होता है कंबसन कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ओके, तो इसके साथ एक तो ये यहाँ पे कंबसन को रोकता है, और ये यहाँ पे कंडक्टर जैसा भी बिहेव नहीं करता। ओके, और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है हमारे जिसके ऊपर आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं वो भी ख़राब नहीं होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे वाटर का यूज़ अगर करेंगे आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या इक्विपमेंट में, आपको पता है ज़्यादातर हमारे जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो जाएंगे, फिर वर्क करने लायक नहीं रहेंगे। बट अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो ये इक्विपमेंट हमारे ख़राब नहीं होते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे दो एडवांटेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगली लाइन में चलते हैं। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई हमें कैसे मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको स्टोर किया जाता है सिलेंडर में, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ओके, रिलेटेड टू द फायर। सो यू मस्ट नो दिस टाइप ऑफ थिंग्स सो दैट यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू कैन हेल्प योर सोसाइटी इन डिफिकल्ट सिचुएशन रिलेटेड टू द फायर, ओके। सो आई होप कि आप बातों को इंटरेस्टिंगली समझ रहे हैं और इसका इम्पॉर्टेंस आप मेनली समझ पा रहे हैं। तो देखते हैं, इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। यहाँ पे हाई प्रेशर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, और इस तरीके से इसको सिलेंडर में स्टोर कर लिया जाता है। तो अगर प्रेशर बढ़ा के इसको एक सिलेंडर में स्टोर किया जाए, तो ये लिक्विड स्टेट में यहाँ पे रहेगा, बहुत हाई प्रेशर में। आपको पता है नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फियर है, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड को और भी ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और इसको यहाँ पे फायर सिलेंडर के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इन व्हाट फॉर्म इज द एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सिलेंडर्स में एलपीजी कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड्स इनॉमरसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेंडर से इसको रिलीज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ये तेजी से एक्सपेंड करता है। यहाँ पे देख रहे हैं, इनॉमरसली इट इज इट एक्सपेंड्स इनॉमरसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। ये तेजी से एक्सपेंड करके क्या होती है, कूल डाउन, ठंडी हो जाती है, मतलब अपना टेम्परेचर डाउन करती है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो ये पूरे सरफेस को कवर कर लेती है, जैसे एक ब्लैंकेट किसी सरफेस को कवर कर लेता है, और उसके साथ क्योंकि जब ये इसको फ्री किया जाता है सिलेंडर से, जब रिलीज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डाउन होता है। तो ये उस सरफेस को कवर करने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी कम करती है काफ़ी तेज़ी से। दिस इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। और इस तरीके से ये क्या बन जाता है, ये एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट को जो कि बेकिंग सोडा भी इसको आप बोलते हैं, ठीक है, और पोटेशियम बाई कार्बोनेट नियर द फायर। दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो आप फायर के लिए कार्बन, सॉरी, ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया गया है इन लिक्विड फॉर्म, और जैसे ही इसको इस सिलेंडर से रिलीज़ किया जाता है, ये एक्सपैंड होता है बहुत तेज़ी से, और अपना टेम्परेचर डाउन करते हुए सरफेस को कवर कर लेता है, और ये एक ब्लैंकेट जैसा ही सरफेस को कवर करता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई को ये कट ऑफ कर देती है, और ये फायर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। धीरे धीरे फायर, ये बर्निंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। बट अगर ये अवेलेबल नहीं है सिलेंडर्स, उन केसेस में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कराना चाहते हैं आसपास, जिससे कि यहाँ पे फायर को कंट्रोल किया जा सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज टू
रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाई कार्बोनेट और पोटेशियम बाई कार्बोनेट। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं या तो सोडियम बाई कार्बोनेट का पाउडर या फिर पोटेशियम बाई कार्बोनेट नियर द फायर, दीज केमिकल गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फायर के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिससे कि आप वहाँ के आसपास पे जो फायर है, जो इफ़ेक्ट है, उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ इस चैप्टर का, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए, इसको बार बार रिवाइज़ करना चाहिए, रिमेम्बर हो जाना चाहिए आपको कौन सा एक्सटिंग्विशर बेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर बेस्ट क्यों है, और ये कैसे फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है जिसकी वजह से इसको बेस्ट या फिर बोल सकते हैं आप एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ जुड़ते हैं, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंबसन। यस, तो दिस इज द अनदर टॉपिक एंड वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड दिस टॉपिक बाई यूजिंग PPT। अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, NCERT में दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक बाई यूजिंग आर NCERT टेक्स्ट। ओके, सो जो NCERT टेक्स्ट है उसकी उसमें क्या दिया है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि NCERT जो वर्ड दिए हुए हैं उसमें कुछ वर्ड हमें समझ नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बुक की हेल्प से भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। पहले हमने इसी चैप्टर को PPT की हेल्प से कंप्लीट कर लिया है, तो आई होप कि आपको याद होगा टाइप ऑफ कंबसन क्या है। फिर भी यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में, पूरा डिटेल में बताया जाएगा, कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को कॉन्टिन्यूसली सुनते हैं, रिपीट करते हैं और रिवाइज करते हैं चीज़ों को, तो आई एम टेन श्योर कि आपको चीज़ें एकदम अच्छे से ज़रूर समझ में आएंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टाइप ऑफ कंबसन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर गैस स्टोव इन किचन। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और गैस लाइटर। तो यहाँ पे आप जानते हैं मैच स्टिक या फिर लाइटर का यूज़ करते हैं जो हमारा स्टोव है उसको ऑन करने के लिए या फिर उसको जलाने के लिए आप बोल सकते हैं। तो आप देखिए, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जैसे ही आप नॉब को टर्न ऑन करते हैं क्या होता है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे कॉशन है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये पढ़ना, किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले हमें उससे रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करना सीखना होगा, बिकॉज इट मे बी डेंजरस फॉर अस। ओके, तो फर्स्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू हैंडल विद द थिंग्स अराउंड अस। ओके, देन यू कैन ट्राई और यू कैन परफॉर्म योर एक्टिविटी। सो फर्स्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू हैंडल विद द गैस स्टोव। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट टू हेल्प। तो यहाँ पे आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, जो रोज़ गैस स्टोव यूज़ कर रहे हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो आप अपने से नहीं करेंगे इसको, पहले अपने पेरेंट्स से हेल्प लेंगे, मतलब उनको पूछ लेंगे कि गैस स्टोव को टर्न ऑन कैसे करते हैं और उसको कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ देखिए, अब इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या मिलेगा अगर ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली। यहाँ पे आप देखेंगे कि गैस रैपिडली बर्न होती है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। और क्या प्रोड्यूस करती है, हीट एंड लाइट। तो आपको पता है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यही कंबसन हो गया आपका। तो यहाँ पे सच ए कंबसन इज नोन एज रैपिड कंबसन। ओके, तो अगर ये कंबसन तो है, बट कंबसन की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इस टाइप के कंबसन को हम लोग बोलेंगे रैपिड कंबसन। ओके, सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबसन। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे बर्निंग ऑफ LPG गैस। ओके, इन वेन टर्न ऑन द गैस स्टोव। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा रैपिड कंबसन का।
और भी इसकी कैटेगरीज है, तो आगे देखते हैं क्या क्या है। देर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर पे बर्न करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो देर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पे ही बर्न करता है, ठीक है, विच बर्न एट रूम टेम्परेचर। द टाइप ऑफ कंबसन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबसन। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबसन? तो यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन, द टाइप ऑफ कंबसन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो सडनली यहाँ पे बर्स्ट हो जाता है फ्लेम में विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज। कोई भी यहाँ पे किसी भी चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं किया जा रहा है, मतलब अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे कंबसन को आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एक फिगर 6.8 दिखाया जा रहा है। कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ किचन स्टोव। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि ये बॉक्स देखें, इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। ओके, यहाँ पे आप फेस्टिवल डेज में ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, फायर वर्क्स। वेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। तो आप जैसे ही एक क्रैकर इग्नाइट करते हैं, क्रैकर जानते हैं आप, क्रैकर जो आप यूज़ करते हैं दिवाली और डिफरेंट फेस्टिवल्स में, मैरिज पार्टीज में भी यूज़ किए जाते हैं क्रैकर्स। ओके, तो ये क्रैकर्स को जब इग्नाइट किया जाता है, अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस, तो उसमें सडन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो हीट इवॉल्व करती हैं उसके साथ लाइट और साउंड भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंडीशन में हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। आप क्रैकर्स के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में साउंड और एयर पोल्यूशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ये। तो आप सभी इसके साथ फेमिलियर हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। तो इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट में गैस भी रिलीज होती है यहाँ पे, उससे निकलती है, जो कि इस रिएक्शन के बाद फॉर्म होती है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे इस टाइप के रिएक्शन को एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। तो यहाँ पे क्रैकर के ऊपर प्रेशर लगा के भी एक्सप्लोजन कराया जा सकता है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे बम ब्लास्ट के बारे में भी जानते हैं, वो सभी भी डिफरेंट टाइप के एक्सप्लोजन्स ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस पूरे पैराग्राफ की हम लोग बात करें, अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया टाइप ऑफ कंबसन में, तो यहाँ पे आपको जो कंक्लूजन मिल रहा है इस पूरे पैराग्राफ का, उसमें ये मिल रहा है कि कंबसन थ्री टाइप का है। फर्स्ट है रैपिड कंबसन है, और इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है बर्निंग ऑफ द एलपीजी व्हेन टर्न ऑन द नैब ऑफ द गैस स्टोव। ओके, नॉब, सॉरी, व्हेन टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम लोग एलपीजी, जो हमारा गैस स्टोव है, उसकी हेल्प से जब कुकिंग के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए जो जलाते हैं, उसको ही बोलते हैं रैपिड
कंबसन, ओके। तो ये एग्जांपल हो गया। सेकेंड टाइप है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबसन। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या है, तो स्पॉन्टेनियस कंबसन वो है, यहाँ पे देख सकते हैं, द टाइप ऑफ कंबसन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो फॉस्फोरस है ये अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे जलने लग जाता है, बर्न करने लग जाता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया स्पॉन्टेनियस कंबसन का, ओके। और ऐसे ही अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ पे थर्ड जो हमको मिल रहा है, थर्ड टाइप, वो है एक्सप्लोजन। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लोजन जो है वो थर्ड टाइप का हमारा जो कंबसन है उसका थर्ड टाइप है। और इसका एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं ऐसे जो क्रैकर्स हैं हमारे, जब क्रैकर्स को इग्नाइट किया जाता है तो ये हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गए एक्सप्लोजन के, ओके। सो स्टूडेंट यू कैन क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ कंबसन अराउंड यू इन डिफरेंट, लाइक इट इज स्पॉन्टेनियस और इट इज रैपिड और इट इज एक्सप्लोजन। तो जितने टाइप के आपके आसपास कंबसन है उसको आप डिफरेंट कैटेगरीज में बना सकते हैं टेबल और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाएगी आपको और ये बहुत ही आपको हेल्प भी करेगी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप ऑफ कंबसन, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं ये टेबल क्या दिया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखिए, स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइंस। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन आर ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और अ विजिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइंस। तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है कोल डस्ट का, वो कई बार बहुत ही डेंजरस फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइंस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ सन। तो जो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर है वो सन हीट या फिर कभी कभी लाइटनिंग के स्ट्राइक होने से होता है। तो ये सारी चीज़ें, हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन मोस्टली जो फॉरेस्ट फायर है वो ह्यूमन बींग के केयरलेसनेस से होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और विजिट। कई बार हम लोग फॉरेस्ट में पिकनिक या फिर घूमने जाते हैं, वहाँ पे हम लोग किसी तरीके से कुकिंग के पर्पजेस से या फिर किसी और तरीके से वहाँ पे कुछ चीज़ों को बर्न करते हैं, वुड बर्न करते हैं, तो अगर उसको वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं गलती से, तो वहाँ पे भी ये फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत ही हमें केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों से और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोई गलती ऐसी ना हो जाए जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकें, ओके। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइप ऑफ कंबसन एंड द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द फायर एक्सटिंग्विशर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ओके। सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू स्टडी एंड ट्राई टू रिवाइज द थिंग्स डेली वाइज, so that it will be more beneficial for you and it will help you to understand the concept in more deep way. Thank you for watching. Okay, तो जितने भी आपको होमवर्क दिए गए हैं वो जरूर आप दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर दें, ठीक है। और टाइम से, जो भी टाइम आपको दिया गया है उस टाइम में आप उसको
सेंड करते रहें। ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेम। ओके इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी फ्लेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।